हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय यादव स्वागत करता हूं अपने चैनल विनय एलएलबी में। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ कभी कोई वारदात हो जाती है, कोई घटना घट जाती है या आपके साथ कोई किसी तरह का अपराध करता है और आप पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं और पुलिस किसी भी वजह से आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो आपके पास ऐसे क्या लीगल राइट्स हैं जिसमें आप अपनी एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपके साथ कभी कोई घटना घट जाती है, किसी तरह का कुछ गलत हो जाता है, कोई वारदात हो जाती है या कोई आपके साथ अपराध करता है, तो आप पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले उनके जो एसपी होते हैं, सबसे बड़े अधिकारी उनका जो एसपी होता है जिले का, आपको उनके पास जाना है। लेकिन उससे पहले आपको एक एप्लीकेशन तैयार करनी होगी। उस एप्लीकेशन में आपको अपनी सारी घटना को लिखना होगा, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किस जगह हुई थी, वहाँ पे कौन लोग मौजूद थे, और आपको ये भी लिखना होगा कि आप पुलिस के पास गए थे लेकिन पुलिस ने आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की है। जब आपकी एप्लीकेशन तैयार हो जाए, उसके साथ आपको अपने सबूत लगाने होंगे। उन सबूतों को लगाने से ये साबित हो जाए कि आपके साथ जो घटना हुई है वो एकदम सही है, और अपने सबूत और एप्लीकेशन दोनों को लेके आप एसपी के सामने पेश होंगे। अगर आप सामने पेश नहीं हो सकते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस जाके स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी उनको शिकायत भेज सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से आप जब शिकायत भेजेंगे तो वहाँ से आपको एक स्लिप मिलेगी, तो वो स्लिप आपको संभाल के रख लेनी है, और उसके बाद आपको अपने एक वकील से मिलना है। वकील से मिलने के बाद आपको अपने सारे सबूत देने हैं और जो स्लिप मिली है वो आपको देनी है। उसके अलावा कोर्ट के अकॉर्डिंग वकील सारे कागज तैयार करेगा। सीआरपीसी की धारा 156(3) में कोर्ट में आपका केस डाला जाएगा और कोर्ट आपके मामले में संज्ञान लेगी, देखेगी आपने जो भी सबूत दिए हैं वो पर्याप्त हैं। उससे ये साबित होता है कि आपके साथ जो वारदात हुई है वो सही में हुई है या नहीं हुई है। अगर कोर्ट को लगता है कि आपने जो सबूत दिए हैं वो सही है, आपके साथ गलत हुआ है, तो कोर्ट पुलिस को निर्देश देगी कि आपकी एफआईआर दर्ज की जाए, और पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। उसके बाद आपके मामले की जाँच भी जल्दी शुरू कर देगी। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बताया कि अगर पुलिस के पास आप जाते हैं और वो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आपके पास क्या लीगल राइट है। आप कोर्ट की शरण में जाके सीआरपीसी 156(3) के माध्यम से आप अपनी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके पास। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। जय हिंद।